एक जिसमें काफ़ी गैप होता है और एक में कम गैप होता है ये खास तौर पर अगर आप लोग चाफी नफ होता है उसके लिए हल ये होता है कि आप लोग कोई ड्राई शैम्पू ले लें ले या फिर ड्राई अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम है और उम्मीद सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे काफ़ी टाइम से मुझे लोग कहे थे कि यार डूडू को ले नहीं लेके आए दोबारा वीडियो में लास्ट मैंने वैक्सीनेशन की वीडियो बनाई थी जिसमें डूडू आया था और डूडू यहाँ पे है आ जाओ डूडू आ जाओ इसको मैं आज अपने सेटअप में लेके आया हूँ वीडियो बनाने के लिए और इसकी वैक्सीनेशन अलमदिल्ला कम्प्लीट हो चुकी है दूसरा शॉट जो लगना था वो भी इसको लग चुका हुआ है और अब जो है वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को कि अब जब किटन जो है वो तीन माह का हो गया है तो उसके आगे क्या आप लोगों ने एहतियात करनी है किन चीज़ों का ख्याल रखना है कैसी डाइट होनी चाहिए ग्रूमिंग के हवाले से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको मैं वीडियो में बताने वाला हूँ तो हमारे डूडू साहब जो है वो थोड़ा सा स्ट्रेस में आ गए दूसरी किटन्स को देख के तो आज मैं एक ऑफ़र भी लगा रहा हूँ क्योंकि फ़्लीस और टिक्स का बहुत ज़्यादा सीज़न आ चुका है और बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं इसको लेके तो मैंने सोचा मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को भी जो है वो कुछ ऑफर ज़रूर देने चाहिए तो जो वेट के शैम्पू है फ्लीस के लिए और जो मोस्ट पॉपुलर स्प्रे है डी टिक जिसके रिज़ल्ट बहुत आउट क्लास हैं वो अगर कंबाइन करें उनकी प्राइस तो फो फोटीन फिफ्टी बनती है अराउंड फोटीन हंड्रेड बनती है तो वो ट्वेल्व फिफ्टी का जो है वो कर दिया गया है और आप लोग जा कर परचेज कर सकते कर सकते हैं हमारे पेजेस के ऊपर और उसके अलावा मैं गिव अवे भी अनाउंस कर रहा हूँ गिव अवे में मैं ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं दो से तीन लोगों को मैं दूंगा ज़रूर उसके लिए करना ये है कि कमेंट में जाके कर हैश टैग जब मैं देख के आपने कोई भी कमेंट करना है और जो उसके अनाउंसमेंट है विनर की वो मैं पेजेस के ऊपर इंस्टाग्राम और फेसबुक कर दूँगा उसमें आप लोगों ने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा पेजेस का वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं कौन विन किया है तो वीडियो की तरफ चलते हैं तो हमारे डूडू साहब जो है वो क्लिनिक पे आ चुके हैं मैंने जो आप लोगों को बातें बतानी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं लेकिन एक ज़रूरी बात मैं बताना भूल गया था कि अगर फ्लीज़ और टिक्स के ऊपर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोग जाके देख सकते हैं अब आप लोग देख रहे होंगे जो डूडू है इसके फर्ड माशा से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वरना इतनी एज में जो है वो फर्ड गिरना शुरू हो जाते हैं और फाइव मंथ्स तक या फोर मंथ्स तक जो है वो न्यू फर आते हैं उसको जिसको अडल्ट कोड कहते हैं लेकिन इसके फर इस वजह से ज़्यादा नहीं गिरे गिरे ज़रूर हैं इतने ज़्यादा नहीं गिरे उस वजह क्या कि इसकी डाइट बहुत अच्छी है इसको मैं होम मेड कैट फूड ही दे रहा हूँ अभी फ़िलहाल मैं कोई और कैट फूड नहीं दे रहा और जैसा कि मैंने वीडियोज़ में बनाना सिखाया हुआ है वही चीज़ मैं इसको भी दे रहा हूँ अभी तक उसके अलावा कोई चिकन वगैरह कुछ नहीं देता उसके अलावा ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है डेली रूटीन के अंदर ब्रशिंग जो अगर आप नहीं करेंगे तो बालों में जितने इसके फर हैं वो ना गुंजले बन जाएंगी बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं मैट्स बने होते हैं बालों में फिर उनको उतारना पड़ता है मशीन के साथ और बड़ी अजीब सी लगती हैं बिल्लियाँ तो इसकी डाइट मैंने जैसे कि आप लोगों को बता दिया कि होम मेड आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी कि होम मेड क्या चीज़ है उसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं होम मेड केयर फूड के अंदर उसके अंदर मल्टी वाइटामिन ऐड कर सकते हैं लाइक प्रो हेल्थ मल्टी वाइटामिन बहुत ज़्यादा अच्छा है like वो ऐड कर सकते हैं उसके अलावा फ़िश ऑयल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहता है फर के लिए कुछ लोग कहते हैं कि हीट करता है या फिर गर्मी बढ़ाता है वो इंसानों के लिए होता है अलग से जो वाइल्ड रास्कन फेश ऑयल है इनका कोई लेना देना नहीं है बल्कि तकरीबन हर कैट फूड जो भी आप खिलाते हैं उसके अंदर फेश ऑयल मौजूद होता है पहले से लेकिन वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है या फिर बस नाम के जरिए शो किया गया होता है कि इसके अंदर है तो आप लोग फिश ऑयल इसको दे सकते हैं फिश ऑयल जो है वो अब जैसे कि सीजन आ रहा है इसके बाल गिरेंगे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बिल्ली के बाल उतरते हैं जब सर्दियों से गर्मियों की तरफ आते हैं और थ्रू आउट जो है उस सीज़न में बाल गिरते ही रहते हैं तो उसका हल यही है कि आपने डेली ब्रशिंग करनी है तो जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी वीडियोज़ में बता आया हूँ कि जब कितन ढाई माह का हो जाए तीन माह का हो जाए उसके बाद आप उसको नहलाएं उसकी नेल ट्रिमिंग करें उसको जो भी आपने ग्रूमिंग वगैरह करनी है वो आप कर सकते हैं उससे पहले आप सिर्फ ब्रशिंग वगैरह करें तो ज़्यादा बेहतर है अब इसके नेल हमने ट्रिम करने हैं मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ वैसे मैंने इसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो बनाई हुई है तो इसके नेल कोशिश करें कि अगर आप पेट्स के लिए कर रहे हैं तो पेट्स के हवाले से ही वे चीज़ें ले लें ताकि कोई इशू ना आए अब आप, आप लोग देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इससे जो कॉर्नर होता है बिल्कुल कॉर्नर लाइक ये देखें आप बिल्कुल जो कॉर्नर होते हैं मैंने सिर्फ इसको कट किया है मैंने पूरा नाखून कट नहीं किया कुछ लोग पूरा नाखून कट करते हैं जिसकी वजह से नेल जो है उसमें से ब्लड आने लग जाता है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है उसके बाद एक चीज़ जब पर्शियन कैट आप पाल रहे हैं तो इस तरह का जो कॉम है इसको बेशक डबल साइड कॉम कह लें या फिर दो तरह की कंगी होती है पास आके दिखा दें जरा ऑडियंस को ये एक जिसमें काफ़ी गैप होता है और एक में कम गैप होता है ये ख़ास तौर पर अगर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने कैट को किटन को बचाएं मैट से हेयर मैट से जो इनके घर गुंजले बन जाती है बालों के अंदर उसके लिए सबसे सब बेहतरीन हल यही है कि आप उसको डेली एक दफ़ा या दो 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 दिन में एक दफ़ा जो है ना ये वाला ब्रश करें अब इसका तरीका क्या होता है पहले आप लोगों ने जो ए, जो साइड है जिसमें ज़्यादा गैप है वो आप लोगों ने ले लेना है और उसको आप लोगों ने बालों के अंदर करना है ये थोड़ा सा जो है आपको जान लगानी पड़ेगी करने के लिए क्योंकि जो मैट्स बने होते हैं या बन रहे होते हैं उनको इससे निकालना होता है और जो ओवरफ्लो होता है इसका शेडिंग का वो भी ये ख़त्म कर देते हैं ये आप लोग देख सकते हैं जो गैर जुड़ी बाल थे या उतरने वाले थे वो पहले ही उतर गए हैं अब उसके बाद तरीकेकार ये है कि पहले आपने बड़ी जो जिसमें गैप ज़रा था उसमें से किया था फिर जिसमें बड़ी गैप है उसमें से आप लोगों ने करना है ताकि अगर को कोई मैट्स हैं बॉडी में तो वो भी उतर जाए मैं सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा हूँ फिलहाल इसमें मैट्स नहीं है तो मैट्स निकलेंगे भी नहीं तो ये आप लोगों को मैंने बता दी ये बता दी उसके बाद जो ग्रूमिंग का तरीका है कि आप लोगों ने जो ये वाला ब्रश आता है जो बड़ी कंडो वाला होता है ये भी बहुत ज़रूरी होता है इनके लिए जो छोटे छोटे बाल जो बिखरे होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए है, जो शेड होने होते हैं बाल गर्मियों में गर्मियों में अगर आप लोगों ने बचना है उससे हेयर फॉलिंग से या फिर कम चाहते हैं तो डेली दो दो बार ब्रश लाजमी करें आप लोग इस तरह अपने किटन को जो है वो ब्रश कर सकते हैं और काफ़ी सारे जो बाल बाद में उतरने हैं इसके वो उतर जाएंगे अभी से और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये आप लोग देख सकते हैं जो बाल बाद में उतरने और आपके कपड़ों में लगने वो पहले ही उतर जाएंगे उसके बाद अगर हम एक स्टेप और आगे जाएं हम कहते हैं कि यार इसमें स्मेल आ रही है कैट में से और मैंने जैसे कि पहले भी गाइड किया कि बार बार अपने कैट को नहीं ना लाते उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है महीने में दो से तीन दफ़ा गर्मियों में इनफ होता है उसके लिए हल ये होता है कि आप लोग कोई ड्राई शैम्पू ले लें ले या फिर ड्राई पाउडर ले लें ले ले किसी अच्छी कंपनी का तो उसके आप सीधे सीधे इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हैं कुछ लोग पूछते हैं कि इसका नुकसान होता है या नहीं होता अगर आप लोग किसी अच्छी कंपनी का यूज़ करेंगे तो बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा ये बड़ी जल्दी ही वेपोरेट भी हो जाता है और बड़ा ईजी होता है इसको करना इसकी फ्रेगनेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बेसिकली कैश में से अगर आपको स्मेल ला रही है आपको ऐसे फील हो रहा है कि मैं इसे पास नहीं अन दे सकता इसके बाद जो है आपने इसको ब्रश कर लेना है ये बड़ी जल्दी ही वेपोरेट हो जाता है इसलिए आपने लोगों ने जल्दी जल्दी करना होता है इससे बाल भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाते हैं और स्ट्रेट भी हो जाते हैं इसी तरह एक पाउडर भी आता है ड्राई क्लीन पाउडर वो भी आप लोग कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज का आता है तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक सफ़ाई रहती है लेकिन एट द मैं ये नहीं कहूँगा कभी भी कि आप लोग बात वाला ना करवाएँ बात दें बिल्कुल लेकिन टेम्प्रेरी टाइम के लिए आप लोग इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं किटन के ऊपर और गर्मियों में ख़ास तौर तो पर ख़्याल रखें डाइट के हवाले से कि जो डाइट दे रहे हैं उसमें पानी ज़रूर हो लाइक अगर ड्राई फ्रूट खा रहे हैं तो पानी ज़रूर पिए या फिर अगर जेली फ़ूड खिला रहे हैं तो बेहतर है होम मेड खिला रहे हैं तो बेहतर है क्योंकि पानी की कंजम्पशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए गर्मियों के अंदर अगर नहीं होगी तो किडनी लीवर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है इस चीज़ से और इस वजह से काफ़ी कैट्स मरती भी हैं गर्मियों की वजह से उसके अलावा अगर गर्मियों में हम देखेंगे अगर आप कुछ एक्स्ट्रा देना चाहते हैं अपनी कैट को तो सी फोर्स के नाम से मल्टीवाइटामिन या सप्लीमेंट कह सकते हैं वो काफी अच्छा होता है टॉनिक भी होता है किडनी टॉनिक उसके अलावा जो है वो इम्यूनिटी बरकरार रखता है गर्मियों में बहुत हेल्प करता है कैट्स को जो है वो हीट अप होने से बहुत ज्यादा तो वो भी आप ला सकते हैं वो आपको मेरे पेज से ही मिल जाएगा और उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा इस पर गर्मियों में क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये आप लोगों को बताना अगर आप लोग अपनी कैट को जो है वो सेफ़ रखना चाहते हैं गर्मियों के अंदर और बात कर लें साथ ही ट्रिमिंग की अब लाइक ये कैट है तो अगर मैं इसे ट्रिमिंग करवाना चाहता हूँ मेरे पर दो ही रीज़न होने चाहिए इसे ट्रिमिंग करवाने के कि इसको बहुत ज़्यादा मेट्स हो गया तो मैं इसी ट्रिमिंग करवा रही हूँ इसको बहुत ज़्यादा फ्लीज़ है या फिर इसको फंगल इन्फेक्शन है तो मैं इसको करवा रहा हूँ कुछ लोग कहते हैं कि गर्मियों की वजह से गर्मियों की वजह से आप लोग ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बाल उतर रहे हैं और आप लोगों से नहीं बर्दाश्त हो रहा कि यार इसके बाल उतर रहे हैं मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता ये चीज़ तो आप बाल कटवा सकते हैं वो भी एक सोलूशन आ जाता है उसके अलावा अब हमने यहाँ पे अपने एक फैसिलिटी रखी हुई है कि ट्रिमिंग की एक होते हैं शेव करना नॉर्मली जो क्लिनिक्स पे या दूसरी जगह पे शेव किया जाता है पूरे बाल उतार दिए जाते हैं तो मैंने यहाँ पे फैसिलिटी रखी है ट्रिमिंग की अपनी कैश के बाल थोड़े कम करवा सकते हैं ताकि उसका हेयर फॉल भी रुक जाए और वो बूढ़ी भी ना लगे देखने में तो ये चीज़ें थी बताने वाली जो कि गर्मियों के हवाले से बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और जल्दी से एक लाख सब्सक्राइबर्स करवा दें ताकि मैं एक बहुत बड़ी सेल लगाऊँ आप लोगों के लिए और आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ने बहु इन शाला अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय बाय कह दो बाय बाय कह दो चलो